हाय गाइस, वेलकम बैक। और आज अभी 9 बज रहे हैं, हम लोग तैयार हो गए हैं और आज बब्बा को होम टाउन ले जा रहे हैं। ये बब्बा रेडी हैं और मेरा सामान भी है, लगाते हैं। ये इतने सारे बैग रेडी हो गए हैं। क्या बोल रहे हो मामा आप? आयु आप रेडी हो? चलें, ठीक है गाइस। ये नैनी जंक्शन पहुंच गए हैं हम लोग। और शाम को ना एक्चुअली मैं सो गया आया तो वहाँ से फिर वीडियो नहीं बन पाई, तो मैंने स्टार्ट करते हैं। और ये नैनी जंक्शन है और सुबह के भी 6:30 हैं, 6:27। तो ठीक है, और ये एक कोई फैक्ट्री लग रही है या फिर और कुछ हो सकता है, मेरे को भी नहीं पता। और ये उसकी चिमनियाँ बनी हुई हैं और काफ़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी चिमनियाँ बनी हैं, तो ऐसा लगता है कि कोई फैक्ट्री होगी। और ये हम लोग अभी नैनी जंक्शन वाले रूट पे ही चल रहे हैं। ये देखिए गाइस, यहाँ ऑलरेडी कंबल अवेलेबल है। ये देखिए, ये कंबल है, ये एसी वाला रूम का। ये पिलो पे हम बेडशीट भी है, हम लोगों का मतलब का कंबल लाया। हाँ यू, क्या बोल रहे हो आप? मेरा बैग गाइस, मैं आप कैमरा कर रहा था। हाँ क्या कर रहे हो आयु? अगर ट्रेन चली आयु तो गिर जाओगे आप, निशांत बैठ जाओ। बंदरों की तरह जो गुलाटियां मार रहे हो आप। ये जो बंदरों की तरह गुलाटियां मार रहे हो, ये काम आएगा नहीं। मेरा बैग, ये एक बैग कहाँ है? एक और ये, और एक बैग वो है, वो देखिए नीचे देखिए। अरे मेरा वाला, मेरा वाला। हाँ पर, और एक बैग ये है, मम्मी वाला बैग ये। हाँ। और मेरा वाला वो। हाँ, वो चलो सब बैग। आयु ट्रेन क्यों नहीं चल रही? तुम क्या निकाल रहे हो? क्या हुआ, एसी में ठंडी हो गई क्या आपको? आयु एसी कहाँ है, इसमें दिख नहीं रही मेरे को। वो है क्या, नहीं। वो है क्या एसी? ऊपर ऊपर ना मेरे को वो लगता है, वहाँ पे थी बहुत ठंडी लग रही थी आयु। अब कहाँ जा रहे हो आयु? आयु पिटाई हो जाएगी आपकी। मम्मी आएंगी तो पिटाई हो जाएगी। एक भी काम के दांत नहीं रह जाएंगे आपके। चलो रख, गुस्सा भी घूम जाएगी, फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर गिर जाएगी। क्या बोल रहे हो भाई आप? क्या बोल रहे हो अर्णव? क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? मैं आपको नहीं ले जाऊंगा। कहाँ छुप रहे हो सब? दिख रहे बेटे, आयु आयु अपनी वाली ब्लैंकेट आप ठीक करो। चलो चलो चलो, बैठ बेटे बैठ। जल्दी उठो।
इसमें क्या है, कचड़ा है, फेंक दो। और ये देखिए गाइस, ये पूरी ट्रेन खाली हो चुकी है, दिख रही है आगे करके। एसी इसमें नहीं दिखी, आयु मेरे को कहाँ लगी है? आयु आपको दिखी क्या? क्या एसी दिखी, कहाँ लगी है? हमारी क्या होता है, हमारी पहाड़। और ये हमारा पहाड़, यहाँ पे हम लोग एंटर करते हैं। क्या करते हैं एंटर? ये क्या होता है एंटर? मतलब व्यू करते हैं, व्यू देखते हैं। अच्छा, आ गई नदी, कितनी बड़ी है, पानी कितना कम। देखिए इधर रेलवे का कार्य चालू है, अभी बन रहा है। बढ़िया, रेलवे का घर बन रहा है, नहीं कार्य चालू है, तुरंत काम भी कर रहा है, परेशान ना हो, 5-2 घंटे का टाइम दो। गाइस ये हम रीमा पहुँच गए हैं। देखिए और कई सारी ट्रेन भी आउटर में आके रेस्ट कर रही हैं। ये देखो कड़ी, ये देखिए आने वाला है, ये रीमा आ गया। तो चलिए ठीक है, इसको वाइट करते हैं। आयु हट जाना, अंकल निकल रहे हैं। पैर हटा लेना अपना, सर हटा लेना। और देखिए हम पहुंच गए फाइनली रीवा। फाइनली एक चाचा गड्डी लेके आए थे पापा को पिकअप करने के लिए, तो ये गड्डी पे बैठा रहे हैं। ये मंदिर के चलते ये गड्डी रोड हम आ रहे थे, और ये गड्डी बाहर है। तब की रोड तो थी, बंडे को पड़ गई थी और पानी जा रहा, नाले थे 2-3 तो वही नाले में यहीं पे कार चालू है, और ये बन के अब रेडी हो जाएगी कुछ दिनों में ही। ये देखिए इसका कार जोर शोरों से चालू हो रखा है। और यहाँ पे एक नहीं क्या सारे नाले थे, तो हर में इन्होंने एक छोटे पुल का निर्माण किया है। जैसे नाला ये सर सीमेंट वाला जो होता है ना, वो आता है 50 किलो का बैग। ये बस पहाड़ उतर ही रहे और ये बड़ी वाले यहाँ से कैसे दिखता है, छोटी छोटी गाड़ी तो बस थोड़ा आड़ तक हो जाए, पहाड़ साइड में आए खुला छोड़े ये रूट तो ऐसा है जैसे कि उत्तराखंड में होता है, पहाड़ी एरिया रहता है, अभी नहीं बनाया है, पहाड़ी जाने वाले बना दिया है बिल्कुल। ये साइड बस ऐसी लग रहा है उत्तराखंड जैसे, उत्तराखंड अलग हाट।
लिए गाइस हम अपने गांव में ट्रक कर चुके हैं और चलते हैं अपने घर की ओर। सर्दी हो सकती है थोड़ी, एसी से आए तो यहाँ तो बहुत गर्मी हो रही है, एसी और ये ठंड गर्म का माहौल हो रहा है तो और गड़बड़ हो जाएगा। ये देखिए हमारे गांव का छोटा सा अनबोर्ड देखा होगा आपने, ये देखिए ये लगा हुआ है और एक तो बड़ा वाला तो पीछे था तो वो निकल चुके हैं। घर फाइनली पहुंच गए हैं और ये सब जो भाई लोग बैठे हैं भाई, ये थोड़ी सी सब सिस्टम से कर लेते हैं फिर।